फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी फ्रेंड्स अंजना गुप्ता। आज मैं आपके लिए लाई हूं बहुत ही डिलीशियस रेसिपी लौंग लता। इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो है खोया या मावा, मैदा, चीनी, पीसी चीनी, देसी घी, कुछ ड्राई फ्रूट्स, लौंग और पीसी हुई इलायची। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं गैस को ऑन कर लेती हूँ। इसके बाद मैं मावा को भूनने के लिए रख देती हूँ। ये मैंने खोए को भूनने के लिए रख दिया है। अब ये खोया भुन गया है। अब मैं इसको एक प्लेट में रखकर ठंडा कर लेती हूँ। अब ये मैं इस खोए को एक प्लेट में निकाल रही हूँ। ये ठंडा इसको करने के लिए रख देते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद मैं डेढ़ बाउल मैदा लेती हूँ। ये मैंने डेढ़ बाउल मैदा लिया है। इसमें हाफ बाउल मैंने देसी घी डाला हुआ है। अब मैं इसको पहले मिला लेती हूँ घी को। ये इस तरह पहले घी को मिलाता है। अब मैं मैदे का डो तैयार कर ले रही हूँ। इसको ना ज्यादा गीला मारते हैं और ना ही ज्यादा इसको टाइट करते हैं, इसको बिल्कुल मीडियम में मारते हैं। ये इस तरह का इसका डो तैयार करना है। अब ये मैदे का डो बनके तैयार हो गया है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ ढककर। अब मैं गैस को ऑन करती हूँ और उसमें एक कप में चीनी ऐड करती हूँ। ये एक बाउल मैंने चीनी ऐड कर दिया है। इसमें मैं हाफ बाउल शुगर ऐड कर, अब मैं इसमें हाफ बाउल पानी ऐड कर रही हूँ। ये मैं चाशनी बना रही हूँ। अब मैं ये चाशनी बना रही हूँ। इसको देखिए, इसको किसी भी एक तार की या दो तार की चाशनी तैयार नहीं करनी। बस ये इतना ही बॉईल करना है कि ये एक बॉईल आने के बाद दो या चार मिनट तक इसको और बॉईल करना है। उसके बाद गैस को ऑफ कर देना है। अब ये चाशनी जो है तैयार हो चुकी है। ये देखिए, इसको इस तरह डालते हैं। इसमें कोई भी तार जो है वो नहीं बन रहा है। केवल इसको बॉईल करना है और उसके बाद दो चार मिनट तक इसको पकाना है। अब ये चाशनी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। अब मैं ये स्टफ तैयार करने जा रही हूँ। ये खोया जो है वो ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। ये मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है। ये मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं। ये मैंने थोड़ी सी पीसी इलायची ऐड की है। अब इस मिक्सर को मैं तैयार कर लेती हूँ। इस मिक्सर को अब मैं मिला ले रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकती हैं। मैंने इसमें काजू, पिस्ता, किशमिश, चिरौंजी ऐड की हुई है। आप चाहें तो इसमें और भी कोई ड्राई फ्रूट्स जैसे नारियल का बुरादा है या कोई और भी ड्राई फ्रूट्स अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें ऐड कर सकती हैं। ये मिक्सचर अब बनके तैयार हो चुका है। अब मैं इसका लौंग लता के लिए छोटी छोटी लोई बनाकर पूड़ी बनाऊंगी। अब मैं इसकी छोटी छोटी पूड़ियां बना लेती हूँ।
पूड़ियां मैंने लौंग लगा दिए। अब ये पूड़ियां बिल्कुल तैयार हो गई हैं। अब मैं इसमें मैदे और पानी का घोल चारों तरफ से लगा देती हूँ। ये इस तरह का घोल मेरे को चारों तरफ लगाना है ताकि ये जो है लौंग लता वो खुले ना। अब मैं इसके बीच में ये फिलिंग एडप्ट कर देती हूँ। ये फिलिंग मैंने बीच में एडप्ट कर दिया। अब मैं इसको इस तरह फोल्ड कर लेती हूँ। एक फोल्ड मैंने ये किया है, दूसरा फोल्ड मैंने ये किया है। इसके बाद मैं इसको यहां से दबा देती हूँ ताकि जो है फिलिंग जो है वो बाहर ना आए। अब मैं इसमें एक फिंगर लगाती हूँ, इसको इस तरह करके मैं और इसको इस तरह करके चिपकाना है ये। अब मैं ये इसमें ये कर लगाने के बाद मैं अब इसमें लौंग लगा देती हूँ। ये लौंग जो है मैंने इसमें लगा दी है। ये बनके आपका लौंग लता तैयार हो गया है। इस तरह की मैं सारे लौंग लता तैयार कर लेती हूँ। अब ये देखिए ऐसी छोटी छोटी पूड़ियों को बनाना है और इसमें चारों तरफ से मैदा का घोल लगाना है। ये मैंने चारों तरफ जो है मैदे का घोल तैयार करके लगा दिया है। ये इसका ये सेकंड लौंग लता जो है बनके आपका तैयार हो रहा है। ये मैंने बीच में इसका मिक्सचर लगा दिया है। अब मैं इसको इधर से फोल्ड कर लेती हूँ, एक साइड में इधर से इसको फोल्ड कर लेती हूँ। अब मैं इसको जो है दोनों तरफ से दबा देती हूँ। अब मैं इसमें इस तरह फोल्ड करके मैं इसको चिपका के इसमें जो है लौंग को लगा देती हूँ। ये आपका लौंग लता का जो है वो तैयार हो गया है। ये इस तरह करके मैंने मेरे को सारे लौंग लता जो है वो तैयार कर लेने हैं। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑन कर देती हूँ। अब ये मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया। घी को गर्म होने के लिए रख देते हैं। अब ये घी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें लौंग लता को एक एक करके डाल देती हूँ। लौंग लता को मीडियम फ्लेम पे पकाना है। इसको बहुत हाई या स्लो फ्लेम पे नहीं पकाना, इसको जो है वो मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। जब लौंग लता एक तरफ से हो जाए तब दूसरी तरफ इसको पलट देना है और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक ही फ्राई करना है। अब ये लौंग लता गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसको निकाल देती हूँ। अब मैं लौंग लता को चाशनी में डिप कर देती हूँ। ये इस तरह मेरे को इसमें चाशनी डाल देना है और चाशनी में इसको पलट देना है। इसको 2 मिनट तक मैं चाशनी में ऐसे ही डाले रखती हूँ। ये 2 से 4 मिनट इसमें कढ़ाई में पड़े चाशनी में हो गए हैं। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब ये लौंग लता बनके तैयार हो चुके हैं। ये लौंग लता खाने में बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। अगर आपको ये मेरा चैनल पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।